हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्लांट्स फॉर बिगनर्स मींस किचन गार्डनिंग जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनने अभी तक स्टार्ट नहीं की है उनके लिए मानसून बहुत ही अच्छा सीज़न है वेजिटेबल गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए। अगर आप फ्लोरल प्लांट्स लगाना चाहते हैं, ट्रॉपिकल मीन्स फ्रूट्स के लगाने चाहते हैं, किसी भी सब्जी को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो ये आप लोग के लिए बेस्ट टाइम है मानसून का। इसमें सक्सेस रेट आपका 90% हो जाता है। बस रोग जो लगते हैं उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बाकी तो आपकी वेजिटेबल्स ऐसे ही ग्रो होती है। फ़िलहाल अभी मानसून आने में कुछ टाइम, इसलिए हमने सोचा चलिए वीडियोज़ बना लेते हैं, तब तक आएगा तब तक आप प्रिपरेशन करके स्टार्ट कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपके पास आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते। एक बार पहले हम अपना कैमरा ये अपने प्लांट्स के ऊपर चला देते हैं, थोड़ा सा जो प्लांट्स ग्रोथ ले रहा है। ये देखिए, अभी तो कुछ ज़्यादा ऐसा बढ़ नहीं रहा है, इतनी गर्मी है उस वजह से ये बैंगन टमाटर की पौध लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपसे टमाटर के ऊपर। टमाटर ये है, टमाटर ये इतना हार्डी प्लांट होता है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको ज़रूर लगाएं। ये कम से कम 2 महीने में फ्रूटिंग आपकी करने लगता है। मीन्स अभी जैसे आप, अभी ये जुलाई चल रहा है, कितना 10 11 जुलाई है, आप 12 जुलाई, आप जुलाई में लगाएंगे इसको तो ये आपका सितंबर तक आराम से फ्रूटिंग करने लगेगा टमाटर। इसके लिए अपन अगर कंटेनर साइज़ की बात करें तो आप 12 बाई 12 इंच के पॉट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। हाँ, और हम आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि टेरेस गार्डनिंग, हाउ टू स्टार्ट टेरेस गार्डनिंग के ऊपर सीरीज़ चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके ऊपर जल्दी हम सीरीज़ भी चलाएंगे, जैसा आपका कमेंट आता है उसके ऊपर अगर आप लोग पसंद करेंगे तो वो वीडियो हम जल्दी से जल्दी पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। आइए, तो यह हो गया अपना टमाटर की बात। टमाटर के बाद सेकेंड वेजिटेबल है अपना बैंगन। ये बैंगन लगा हुआ, बैंगन भी इतना हार्डी प्लांट होता है, इसको एक बार ग्रो कर लिया तो कम से कम 1 साल 1.5 साल तक चलता रहता है, फ्रूटिंग कंटिन्यूस करता है। लेकिन हम ज़्यादा लालच नहीं करते, 6 महीने बहुत अच्छी फ्रूटिंग नहीं है। भरते वाला बैंगन है, बैंगन में भी कई बार, टमाटर में वैरायटी की बात करें तो चेरी टोमेटो आता है, प्लम आता है, स्मैश क्वालिटी का आता है, आप जैसे ग्रो करना चाहें वैसे ग्रो कर सकते हैं। और बैंगन में ये भरते वाला बैंगन है, लंबा वाला आता है एग प्लांट के नाम से, वाइट वाला बैंगन आता है, आप जो बैंगन ग्रो करना चाहें वो बैंगन ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड प्लांट हो गया अपना बैंगन। बैंगन को आप 12 इंच से बड़े पॉट में लगाएं, हमने इतने बड़े गमले में, आप इतने बड़े में भी लगा सकते हैं, 12 इंच से बड़े पॉट में लगाएं आप। बैंगन बहुत ही अच्छा ग्रो होता है, बहुत चलता है, बहुत आपको फ्रूटिंग भी देगा। देखिए, ज़्यादा मेहनत करे बिना तो नहीं होएगा, थोड़ी बहुत आपको बस मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बेलों में बात करें तो ये है हमारी करेले की बेल। करेले की बेल आप लगा सकते हैं, हम बाकी बेल आपको अभी सजेस्ट नहीं करेंगे। लौकी, तोरी, गिलकी, ककड़ी, कद्दू, ये सब की बेल अभी आप नहीं लगाएं अगर बिगनर हैं तो। हाँ, अगली साल आप ज़रूर इसको बारिशों में लगाएं, अभी आप इसको लगाएं ये वाली। तो आप करेले की बेल को अभी बिगनर हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए, करेले की बेल है, ये करीब 1.5 महीने में फ्रूटिंग करने लगेगी, अभी इसमें मेल फ्लावर्स आ रहे हैं। ठीक है, और आप अभी ग्रो कर सकते हैं मिर्ची को भी, ग्रो कर सकते हैं। हमारे मिर्च का प्लांट लगा हुआ है, लेकिन ये है इसमें लीफ कर्ल वायरस आता है, उसके ट्रीटमेंट पे भी आगे हम बात करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये पुदीना लगा हुआ है, पुदीने को आप आराम से ग्रो कर सकते हैं। पुदीना तो खैर सारी साल हमने बचाने के लिए इसको ऐसे लगा दिया है सॉइल में कि ताकि ये थोड़ा सेव हो जाए, इतना तो बच गया, इतना थोड़ा सा वैसा हो रहा है। या आप ऐसे शेलो पॉट्स में भाजियाँ लगा सकते हैं, पालक, मूली, पालक ये लाल भाजी लगी हुई है, अमरेंथस, इसके लिए तो बड़ा ही समय सही समय, लाल चौलाई, हरी चौलाई, सारी भाजियाँ आप ग्रो कर सकते हो सॉरी। और इसी के साथ साथ आप मूली, पालक, अगेती वाली गोभी भी अभी ग्रो हो जाएगी। देखिए, आप बिगनर हैं तो आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करने के लिए भी, कौन कहता है कि गार्डनिंग बहुत ही महंगा शौक है, कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ना, हम बिल्कुल नहीं मानते, गार्डनिंग बहुत ही सस्ता शौक है, आप इसको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप कंटेनर बड़ा ले लीजिए, ये देखिए हमने तो वेस्ट मटेरियल में ग्रो किया हुआ, ये वेस्ट, आप शुरू में ग्रो बैग मत लीजिए, हमने भी 2 साल बाद ग्रो बैग लिए, जो 2 ग्रो बैग है ना, ये 2 साल बाद लिए, आप अभी शुरू में ना लीजिए
ग्रो में। ये जो वेस्ट अपने आटे की थैली रहती है, ये ऐसे वही शक्कर की पन्नियाँ हैं, ये आप ले लीजिए। आप वेस्ट कंटेनर में भी बहुत ही अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं। हमने जैसे कि ग्रो किया हुआ है ना, आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से जैसे ग्रो करा हुआ। ये देखिए आगे फ्लावर्स कितने अच्छे ब्लूम हो रहे हैं। ये देखिए पोर्चुलाका के फ्लावर्स कितने अच्छे ब्लूम हो रहे हैं, कितने अच्छे ब्लूम। ये देखिए इधर देखिए पास में लगा हुआ है। तो आप ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस 50% सॉइल, 50% गोबर खाद, 5% नीम खली के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू में आप कुछ ना लगाएं तो टमाटर, बैंगन, एक दो सब्जियां तो ज़रूर अपने छत पे लगाएं। कि सब्जी की पूर्ति तो नहीं हो सकती है किचन गार्डनिंग से, किसी से हमने पूछा था कि पूर्ति हो सकती है क्या? नहीं, पूर्ति तो कभी नहीं हो सकती आपकी, लेकिन जो खुशी मिलती है जो खुद से उगाने में, जो वो बात ही अलग है। ये देखिए इतना बड़ा पॉट में हमने ये बैंगन लगाया है, इतने बड़े में लगाया। आप पॉट्स भी ना लीजिए, हम तो कहेंगे जो वेस्ट बकेट्स होती हैं, ये आटे की थैली है, इसको आप आधा भर के बैंगन लगा सकते हैं, आधा भर के टमाटर लगा सकते हैं। और जितना बड़ा आपका पॉट साइज़ होगा उतनी अच्छी आपकी वेजिटेबल होगी। तो चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो? आशा है कि आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।